प्रदेश का पहला महिला पार्क बनने से पहले ही विवादों में, स्थानीय लोगों ने लगाया काम में लीपापोती का आरोप। नेहरू नगर में प्रदेश के पहले महिला पार्क के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है, काम भी शुरू कर दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा काम में लीपापोती का आरोप लगाया जा रहा है। इस बारे में जब वहां के लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि पार्क के बीच में पुराना सीवरेज टैंक बना हुआ है जिसमें नाले का पानी आता है। साथ ही यह टैंक काफी पुराना होने की वजह से इसकी दीवारें भी जर्जर स्थिति में हैं। अगर इस टैंक को बिना तोड़े पार्क बनाया गया तो आने वाले समय में वह किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। लोगों का ये भी कहना है कि इंजीनियर के द्वारा भी टैंक को तोड़े जाने की बात कही गई है। इस बारे में जब निर्माण कार्य में संलग्न लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि विभाग के द्वारा टैंक के चारों ओर दीवार खड़ी करके पैक करने की बात कही गई है, जबकि उन लोगों के द्वारा विभाग को सूचना भी दी जा चुकी है कि टैंक जर्जर हालत में है। प्रदेश के पहले महिला पार्क के निर्माण की शुरुआत के साथ ही सुरक्षा पर सवाल या निशान लगना जांच का विषय है। हम तो बस यही कहेंगे कि जांच के बाद ही अधिकारियों को निर्णय लेना चाहिए कि टैंक पैक होगा या टूटेगा। भाई दिक्कत ये आएगी इसमें, अव्वल तो यहाँ पर प्लेस कम हो जाएगा, देखिए जो आप इसको डेकोरेट करेंगे उसमें तो प्लेस कम हो जाएगी, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कहीं से खुला रह गया ये किसी तरीके से तो किसी की भी जान जा सकती है। जैसे कभी खुला हुआ है, देखिए दो ढक्कन खुले हुए हैं, हालांकि जब आप करेंगे तो बंद करेंगे उसको, हम भी समझते हैं उसको बंद करेंगे। तो मिश्रा जी को अगर कोई तकलीफ़ नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सीवरेज जिस दीवार पे ये खड़ा हुआ है काफ़ी जर्जर है पुरानी दीवार उसकी, अरे पुरानी जर्जर है, अब ये बहुत जर्जर हो चुका है, कभी भी धंस सकता है। ये नेहरू नगर उपल मोटर की एजेंसी के पीछे वार्ड 13 है। क्या मामला यहाँ पे, क्या यहाँ पे ये महिला पार्क जो मध्य प्रदेश का पहला महिला पार्क जो बनाया जा रहा है, इसके अंदर एक सीवरेज पार्क बना हुआ है जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, किसी का कनेक्शन इसमें नहीं है, पानी नाले का पानी इसमें आता है, जिसकी दीवारें डैमेज हो चुकी हैं, पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी हैं। अब नगर निगम के अधिकारी भी इंजीनियर भी कह चुके हैं कि ये इसके उसको डिसमेंटल करा देना चाहिए, पर अभी जो काम हो रहा है वहाँ लीपापोती चल रही है, एक छोटी सी दीवार बना के उसको फिर से उसी तरीके से बनाया जा रहा है। पर वो जब तीन तरीके, एक तरफ तो खुला हुआ है, तीन तरफ जो पैक है उस तरफ की दीवार ये कैसे बनाएंगे, और बनाने का औचित्य क्या रह जाता है जब उस पर किसी का कोई कनेक्शन ही नहीं है, है ना। सबके घरों में अपना टैंक बना हुआ है, उसके बाद भी इसका क्या औचित्य रह जाता है कि नाले का पानी, बाहर के नाले का पानी जो टैंक सीवरेज में आता है, है ना, इसको नगर निगम के जो इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, इसको डिसमेंटल कराएं और फिर पार्क का निर्माण कराएं। इसको पैक करने के लिए विभाग ने बोला है, विभाग आदेश करेगा तो हम इसको गिरा देंगे। इसको पैक करने के लिए ठीक है, लेकिन ये इसकी जो दीवारें हैं, पुरानी दीवारें हैं, काफ़ी जर्जर है। हाँ, काफ़ी डैमेज हो गई हैं, कभी भी ढह सकता है। बिल्कुल, इसे आपने बड़े हमने अधिकारियों को बता दिया है कि इसको गिरा देना चाहिए, पर अधिकारियों का कहना था कि इसको बनाया जाए इसलिए बन रहा था। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि फ़ोन पर बात हुई इंजीनियर से तो इंजीनियर का कहना है कि वो गलत है। नहीं, अभी हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी आई नहीं। क्या नाम है आपका? अमित गौतम।